हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसको हमने वीडियो लेक्चर, जो ओल्ड वाले वीडियो लेक्चर थे वो पोस्ट करके और उन पर बेस्ड क्वेश्चन सीखे। अब हमें एक अलग तरीके से रिवीजन स्टार्ट करना है। जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें हम तीन मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी बुक के अंदर बीच में जो ब्लू प्रिंट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा उन सभी के आंसर्स मैं यहाँ पर समझाऊँगा, और आप सभी को वो नोट डाउन करने हैं। मतलब रिटर्न वर्क भी इस वीडियो में से ही आपको लेकर ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा उन सभी का ऑब्वियसली आपको रिटर्न वर्क और लर्निंग वर्क करना होगा। ठीक है, तो पहली चीज एनसीईआरटी में जितने भी ब्लू प्रिंट क्वेश्चन हैं वो करना, सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट इनके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बार बार उन क्वेश्चन को टॉपिक को रिवाइज करेंगे, तो आपके टिप्स पर हो जाएगा टॉपिक और पूरा चैप्टर टिप्स पर हो जाएगा। तो हर एक वीडियो लेक्चर को जो रिविजन के लिए मैं बनाऊँगा उसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और सारे क्वेश्चन के आंसर फिर नोटबुक में लिखने भी हैं और साथ में लर्न भी करना है। तो हम यहाँ पर पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास नाइन्थ में पहला चैप्टर जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था उसमें हमने पूरी स्टडी की सेल की। सेल क्या होती है, सेल हमारी बॉडी में किस तरह से बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं और फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन मैंने पाँच क्वेश्चन लिखे हैं इनको मैं डिस्कस करूँगा, उनके आंसर आपको भी अपनी नोटबुक में फेयर नोटबुक में एज होमवर्क नोट डाउन करना जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। सेल को डिस्कवर किसने किया और किस तरह से, कैसे डिस्कवर किया। तो हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, इसमें आंसर होगा सेल वर फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक बाई हैंड मेड माइक्रोस्कोप इंटू कोर्क सेल्स ऑफ ओक ट्री। फुल स्टॉप। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स वर अरेंज्ड लाइक कंपार्टमेंट इन हनीकॉम। फुल स्टॉप। ठीक है, तो पहली सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की, वो सेल ओक ट्री की बार्क यानी कोर्क में से देखी थी, सेल्स बेस्ड माइक्रोस्कोप से देखी थी, और उन्होंने उस कोर्क में देखा था कि सेल्स इस तरह से अरेंज हैं जैसे कि एक हनीकॉम्ब में चैम्बर्स अरेंज होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में जो चैम्बर्स बने रहते हैं ना, उसी तरह उनको सेल दिखाई देती है। ठीक है, उसी दूसरे पॉइंट में आप एक और चीज ऐड कर देंगे, दी सेल्स वर डेड एंड कंटेनिंग सेल वॉल्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकेंड, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के लिए आप इन वर्ड्स का मतलब समझें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसलिए है क्योंकि बॉडी की स्ट्रक्चर सेल्स की ही बनी हुई है। हमारी बॉडी में सारी स्ट्रक्चर, सारे ऑर्गन सिस्टम, सारे टिश्यूज सब सेल्स के ही बने हुए हैं। और फंक्शनल इसकी जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है वो सारे एज द ग्रुप सेल्स भी ग्रुप बनाकर ही उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब सेल्स स्ट्रक्चरल यूनिट भी हैं और सेल्स फंक्शनल यूनिट भी हैं। तो अब आप आंसर सुने, सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज, ए लिखें इसमें, ए हेडिंग डालकर लिखें, सेल्स मेक द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रैकेट में लिखें स्ट्रक्चर। बी लिखें, सेल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आंसर को लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। मैंने दोनों ही क्वेश्चन में पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर बताए हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं।
तो मैं क्वेश्चन को पहले आंसर को समझा रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ। तो समझा रहा हूँ तब तो आप समझ लें कि इसका आंसर होता क्या है, और फिर मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करें फिर नोटबुक में आंसर के तौर पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। CO2 और वाटर जैसे सब्सटेंसेस सेल के अंदर और सेल के बाहर किस तरह से मूव करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है। तो आपका सिंपली आंसर क्या होगा समझ लीजिए, पहले वाटर CO2 या फिर CO2 को छोड़कर कोई भी और गैस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इनके ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनका ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर और सेल के बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होगा, जिसमें कि वाटर हो या CO2 हो, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। मतलब जब सेल के अंदर पानी कम हो और बाहर ज़्यादा हो, तो बाहर से अंदर की तरफ सेल में पानी आ जाता है, और जब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा और बाहर कम हो तो सेल से बाहर चला जाता है। किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ऐसे ही CO2, ऐसे ही ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग डिफ्यूजन सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इन तीन पॉइंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट होता है कि CO2 और वाटर का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर और बाहर किस तरह से होता है। सिंपल सी बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में ये मॉलिक्यूल अपने आप मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो उनको पुश और पुल करने की जरूरत नहीं, खुद से ही मूव कर जाते हैं। CO2 या किसी और सब्सटेंस के मूवमेंट को सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं हम, और सिर्फ वाटर के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। व्हाई डज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? इसको शॉर्टकट में SPM लिख सकते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मान लो, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मान लो, एक ही बात, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन, अब आप सभी को पता है कि सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल हो, सभी में सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती ही है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन यानी कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा, अब यहाँ पर इसने पूछा है कि सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक टाइप का सब्सटेंस जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सेल को रिक्वायर होते हैं उनकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो जिनकी सेल को जरूरत नहीं, या फिर जिनका नेगेटिव इफेक्ट सेल पर हो सकता है। तो दो टाइप के सब्सटेंसेस हैं, तब उन दो टाइप के सब्सटेंसेस के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन है। मतलब जो इम्पोर्टेंट जो यूजफुल सब्सटेंस होगा उसको तो सेल मेम्ब्रेन एंट्री और एग्जिट दोनों प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंस होगा उसको एंट्री नहीं देगी सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन किसी भी सब्सटेंस को सेल में एंटर करने से पहले चेक करती है, ठीक है। चेक इस तरह से करेगी कि अगर वो सेल के लिए यूजफुल है, किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो सेल के अंदर आने देगी, अदरवाइज उसमें सेल के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, ओके। तो आंसर क्या होगा? द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स कैन एंटर और लीव द सेल, ओके।
आप इस तरह से ना लिखें, इस तरह से लिखें, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू एंटर और लीव द सेल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स विच आर यूजफुल और विच आर जनरेटेड एट वेस्ट कैन मूव आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, ठीक है, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आंसर। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स की टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में ब्लू प्रिंट क्वेश्चन के अंदर ही, उस फिलिंग द ब्लैंक्स जो टेबल है उसमें कुछ स्पेस छोड़े गए हैं और वो टेबल जो रिप्रेजेंट कर रही है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो उस टेबल को आपको बनाना है सभी को और उसमें डिफरेंसेस को मेंशन करना है। फोर डिफरेंसेस हमने पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में लिखे हुए हैं, अब आपको फिर से भी लिखने हैं। ध्यान रखें कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो पहले भी किया हुआ हो उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको अब दोबारा से भी करना है रिवीजन में, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक में सेल की साइज की बात की हुई है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की साइज क्या क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की होती है 1 से लेकर 10 μm, और यूकैरियोटिक सेल की साइज होती है 5 to 100 μm, और μm की यूनिट है 1 μm = 10⁻⁶ μm, मतलब 0.000001 इतना मीटर होता है, कितने में 1 μm, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटी होती है 1 से 10 μm की, और यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है 5 to 100 μm की। दूसरा डिफरेंस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब सेल के अंदर हमने ये पढ़ा है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनी क्रोमोसोम और यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या प्रो क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये सभी सिंगल और मेनी क्रोमोसोम, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड मेन डिफरेंस क्या हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी भी टाइप का डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, मतलब जितने भी एक दो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं उन सभी में या तो मेम्ब्रेन एब्सेंट है या मेम्ब्रेन सिंगल है, डबल मेम्ब्रेन वाले कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ एब्सेंट और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है और उस अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर जो डीएनए रखती है, जो जेनेटिक मटेरियल रखती है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं।
और यहाँ पर प्रेजेंट होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसको हम वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, तो यहाँ पर पांच क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है और आंसर भी बता दिए हैं। ये आपको लिखने हैं आपकी पेयर नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में लिख देता हूँ और फिर उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ये हैं। अब इसमें आप देखें 6 से 10 तक क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वेयर वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर आप सबसे पहले समझे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस होता है इस सेल के अंदर जिसमें सेल की सभी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में स्टोर रहती है। मतलब एक सेल की एक से दूसरी सेल जो पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाएगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर ट्रांसफर होंगे, उन सभी की जो इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक मटेरियल में ही कोडेड फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो फिर जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रस्सी की दो रस्सी इस तरह से एक दूसरे पर घूमी हुई होती हैं। उस डीएनए के थ्रेड में ही किसी सेल की सारी इंफॉर्मेशन लॉक रहती हैं, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती हैं और वो डीएनए क्रोमोसोम में पैक होता है। मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए पैक हो जाता है और वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं। इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो सारी न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल बताओ, ये न्यूक्लियस के अलावा अदर देन न्यूक्लियस बताओ, जिसमें जेनेटिक मटेरियल उनका खुद का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बस यही आंसर है। क्यों है, सुन लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं होते। कुछ प्रोटीन्स के लिए तो वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए तो वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं, बची हुई कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ प्रोटीन वो खुद भी बना लेते हैं। इसका मतलब हम उनको इस तरह बोल सकते हैं, दे आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल आर दोज ऑर्गेनेल विच आर ओनली पार्शियली डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस फॉर देयर एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट इसी आंसर में लिखेंगे, बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बिकॉज दे डिपेंड ऑन न्यूक्लियस ओनली पार्शियली टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। ठीक, पार्शियली डिपेंड है, पूरी तरह डिपेंड नहीं है। गोल की बॉडी पूरी तरह डिपेंड है न्यूक्लियस पर, साइटोसोम पूरी तरह डिपेंड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरह से डिपेंड है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पार्शियली डिपेंड है क्योंकि उनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस। किसी फिजिकल इन्फ्लुएंस जैसे टेम्परेचर, पीएच, रेडिएशन, इनकी वजह से, या केमिकल इन्फ्लुएंस जैसे हार्मफुल कोई केमिकल है, हार्मफुल केमिकल इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से अगर एक सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा द सेल विल डाई। ठीक है, फिर छोटा सा आंसर है द सेल विल डाई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसी आंसर में, बिकॉज ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, फुल स्टॉप। मतलब सेलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सारे कंस्टिट्यूएंट्स एक साथ आएंगे तो ही वो एक सेल बनेगी। यूनिक न्यूक्लियस अलग से
अगर हम सेल के बाहर न्यूक्लियस को निकाल दें तो न्यूक्लियस का कोई एक्जिस्टेंस नहीं, गोल्गी बॉडी निकाल दें गोल्गी बॉडी का कोई एक्जिस्टेंस नहीं, सब मिलकर ही एक सेल बनाते हैं, एज ए यूनिट काम करते हैं। अगर वो यूनिट डिस्टर्ब हो जाए किसी फैक्टर से तो ऑब्वियसली वो सेल की डेथ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल सेल्स? ज्यादातर को आपको पता है लेकिन इसमें दो तीन पॉइंट आपको ऐड करने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट कंप्लीट सेल व्हेन दे बर्स्ट इनटू ए सेल रिलीजिंग ऑल एंजाइम्स। ठीक है, मतलब ये कि सेल को जो लाइसोसोम होता है तो उसको सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं कि ये पूरी सेल के अंदर अगर लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए तो वो लाइसोसोम गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म राइबोसोम लाइसोसोम सबको डाइजेस्ट कर देगा और उस सेल की डेथ हो जाएगी, इसलिए उसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें क्या है? तो पहला पॉइंट तो ये लिख दिया। सेकेंड लिख सकते हैं आप, लाइसोसोम कंटेन्स पावरफुल एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट द फूड एंड इवन कंप्लीट सेल। वो फूड को भी डाइजेस्ट करते हैं और पूरी सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव एट लो पीएच, ब्रैकेट में लिख देंगे एसिडिक पीएच। एंजाइम जो होते हैं लाइसोसोम के वो एसिडिक पीएच पर एक्टिव रहते हैं और उसको किल कर सकते हैं। ठीक है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इन ए सेल? एक सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोटीन का फॉर्मेशन एक सेल में राइबोसोम पर होता है, तो आप आंसर में लिखेंगे राइबोसोम एंड RER। ठीक है, राइबोसोम फ्री साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम ER से अटैच भी होते हैं, इसीलिए उसकी सरफेस रफ बन जाती है। तो आंसर हुआ राइबोसोम एंड RER। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी लिखे इसी आंसर में, RER कंटेन राइबोसोम ऑन देयर सरफेस विच मेक प्रोटीन वाइल फ्री राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा हुआ है, मेक ए कंपेरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच एक कंपेरिजन बनाना है, तो कंपेरिजन के लिए आप क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल और उसके अंदर डिफरेंस कम से कम 5 डिफरेंसेस करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक के क्वेश्चन तो ब्लू प्रिंट क्वेश्चन जो NCERT में दिए हुए हैं और ये आगे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो मैं फटाफट बोल देता हूँ, आपने टेबल भी बनाई हुई है वो फिर से बनानी है 5 डिफरेंस। ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल वॉल प्रेजेंट सेल वॉल है, प्लास्टिड प्रेजेंट प्लास्टिड एक्स है, लास्ट सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट लास्ट सेंट्रल वैक्यूल एक्स है, सेंट्रियोल प्रेजेंट सेंट्रियोल प्रेजेंट, माइक्रोविले एब्सेंट माइक्रोविले प्रेजेंट। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंसेस की टेबल आप बनाएंगे, तो यहाँ तक आपके होंगे 10। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी सुन लीजिए, व्हाट विल हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल ब्रेक अप। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल हैपन इफ प्लाज्मा
मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल ब्रेक अप और रप्चर। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेकअप या रप्चर हो जाए तो क्या होगा? तो आपको इस काम को सोचना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा है पहले क्वेश्चन में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसका फंक्शन मटेरियल को सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करने का है। ठीक है, अब मान लीजिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो क्या होगा? क्या होगा? सेल के जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बाहर आते हैं और सेल के जो हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस है सेल के लिए वो एंटर हो सकते हैं। दैट मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल विल बी डिस्टर्ब एंड द सेल विल अल्टीमेटली डाई। ये ठीक है, क्योंकि जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स अंदर जाने चाहिए थे, जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स इससे बाहर रिमूव होने चाहिए थे, उन सभी का ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगा जिसके कारण सेल की कुछ टाइम में डेथ हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? एक सेल को क्या फर्क पड़ेगा, इस सेल की लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा अगर उसमें गोल्गी बॉडी नहीं होगी? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल में गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है। तो मैं फंक्शन से एक बार बता देता हूँ। सेल में गोल्गी बॉडी के फंक्शन नंबर 1, हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेज। सेल के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं, उनको पैक करना। सेकेंड, हेल्प इन इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज। सेल के अंदर की अंदर एक से दूसरी जगह पर किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना हो वो कंट्रोल करती है। हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेज आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर सब्सटेंसेज को सिक्रेट आउट करने का काम करती है। फोर्थ, हेल्प इन केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल। सेल के केमिकल मॉडिफिकेशन में भी गोल्गी बॉडी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये चार फंक्शन है। अब आप यहाँ पर खुद देखें कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल्गी बॉडी नहीं होगी तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, गोल्गी बॉडी नहीं होने से ऐसा तो होगा नहीं कि ईआर के फंक्शन अफेक्ट होंगे। फंक्शन तो किसके अफेक्ट होंगे? गोल्गी बॉडी के ही होंगे। तो आंसर आप इस तरह से देंगे, इफ सेल विल नॉट हैव गोल्गी बॉडी इन इट। ठीक है, आंसर लिखेंगे आप, इफ द सेल विल नॉट हैव गोल्गी बॉडी इन इट, ए लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज विद इन द सेल विल बी डिस्टर्ब, बी लिखेंगे, सिक्रीशन ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द सेल विल नॉट टेक प्लेस, सी लिखेंगे, देयर विल बी नो केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज, और फोर्थ लिखेंगे, सब्सटेंसेज पैकेजिंग विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि गोल्गी बॉडी जो फंक्शन कर रही थी उसके एब्सेंट होने पर उसके वही फंक्शन सेल में नहीं होंगे और उनमें से कुछ फंक्शन इम्पोर्टेंट हैं
जिनकी वजह से जिनकी एब्सेंस में सेल की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आंसर में ये चारों पॉइंट्स लिखेंगे आप। तो इस तरह से सेल चैप्टर के 12 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। इन सभी के आंसर्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके समझाए हैं, उसके बाद में आपको लिखने उस तरीके से बताए गए हैं। तो आपका काम ये क्वेश्चन लिखना पहले, फिर उसका आंसर भी लिखना, और समझने के लिए इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे पूरी तरह से, टिक पर हो जाएगा पूरा चैप्टर। इसी तरह से जो वीडियोज आएंगे फर्दर, उनकी फॉर्म में मैं आपको रिवाइज करवाऊँगा। आप लिखते हुए ज़रूर चलें, रिटर्न वर्क और लर्निंग वर्क दोनों साथ साथ में चलें तो अच्छा होगा, आपके लिए अच्छे से रिवाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सेल के से। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेल के होंगे वो हम रिवीजन की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।